अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। में जैस्मिन, आज मैं आपको पसंदे बनाना सिखाने जा रही हूँ। गाइज, आपने कोरमा तो खाया ही होगा, आज मैं आपको पसंदे बनाना सिखाऊंगी। गाइज, थोड़ा डिफिकल्ट है, इंग्रेडिएंट ज्यादा होते हैं इस, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजे के बनेंगे। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन गाइज ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। बकरा ईद स्पेशल मैं आपको डिश बनाना सिखाने जा रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंदे इस टाइप के होते हैं गाइज, आप जाइए अपने मीट की शॉप में तो आप पसंदे बना के दे दीजिए, तो पसंदे वो खुद आपको इस टाइप का बना के दे देगा। मैं आधा किलो लिया है, आधा किलो पसंदे हैं हमारे पूरे, देखिए इस तरीके से सारे कटे हुए हैं। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने नमक लिया है, 250 ग्राम हमने दही लिए, 2 स्पून हमने धनिया लिया है, 1/2 स्पून हमने हल्दी ली है, 2 स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। गरम मसाला है जिसमें मैंने काली मिर्च ली है, लौंग लिया है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और तेजपत्ता और जीरा और 1/2 स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। गाइस ये भुने हुए चने हैं, ये भुने हुए चने हमने इस तरीके के लिए हैं, ये देखिए भुने हुए चने हैं ये। 5 से 6 हमने हरी मिर्च ली है, काजू लिया है और खसखस लिया है हमने 10 ग्राम। बड़े साइज के हमने अनियन लिया था जिसको हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया है और हमने हरा धनिया ले लिया है। धनिया को हमने वॉश करके इसमें रखा है। ये चने, खसखस और काजू, हरी मिर्च, इन सबको एक साथ सूखा ही पीसना, पानी मत डालिएगा। हमने फ्लेम ऑन कर दिया है, अब इसमें हम तेल डालेंगे। इस तरीके से हमारा प्याज ब्राउन होता रहेगा। अगर गाइस हमारा प्याज ब्राउन होता रहेगा जब तक हम मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। एक एक मीट का पीस को लेकर इस तरीके से आपको यूं करके पीटना है। इससे क्या है, ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा और ये थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और इसके अंदर सारे मसाले चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप गाइस देखिए सबको हमने अच्छे तरीके से पीट लिया, इसी तरीके से आप भी करिएगा। हमने सूखा मसाला पीसा था वो इसमें डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1/2 स्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 2 स्पून डालेंगे दही, गरम मसाला डालेंगे। सबको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा सारे मसाले को यूं करके इस तरीके से, और इसमें सारे मटन को भी इस तरीके से मिला लीजिएगा, इस तरीके से सारे में डालना है। गाइस नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और अच्छी तरह से सारे में मसाला आपको सारे के एक पीस में अच्छी तरह से मसाला लगा देना है। गाइस इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे और अब इसके मसाले की हम तैयारी करते हैं। गाइस एक तरफ हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है इस तरीके से, इसको अच्छी तरह से हम ब्राउन करेंगे और एक तरफ हम मसाला भूनेंगे। फ्राई पैन हमने रख दिया है, ऑयल ज़्यादा डालेंगे, 2 बड़ा स्पून मैंने ऑयल लिया है। गर्म होने के लिए छोड़ो, हमारा ऑनियन ब्राउन हो चुका है, हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से छान करके निकालेंगे। जैसे हम गाइस कोरमे में बनाते हैं प्याज को ब्राउन करके, उसी तरीके से प्याज को ब्राउन करके हम ऐसे निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। गाइस हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमने जितने भी गर्म मसाले लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे और थोड़े चटकने के बाद हम इसको इस तरीके से आप मसाला भून लीजिएगा। भूनने के बाद जो हमने मसाले लिए थे वो हम डाल देंगे, लाल मिर्च ली थी हमने, ये डाल, नमक डाला था, थोड़ी धनिया लिया था, नमक दोबारा डालेंगे। गाइस इसी तरीके से भूनते रहिए। दही ली थी वो दही भी हम इसी तरीके से डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे, ऐसे इसको मिलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लीजिएगा, चलाते जाइएगा इसी तरीके से। गाइस हमने प्याज ब्राउन किया था, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। जो पीसा हुआ था प्याज वो आपने इसमें डाल दिया, प्याज हमने डाल दिया, डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इस तरीके से भूनते रहेंगे और थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का बनेगा ये, जैसे जैसे मैंने किया है मुझे फॉलो करिएगा, बहुत ही मज़े का और सालन अच्छा बना। आप लोगों ने किसने ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। गाइस इस तरीके से एक एक दो दो पीस ऐसे करके, ये पीस हम ऐसे करके यहाँ रखेंगे, इस तरीके से हम रखेंगे और थोड़ा मसाला लगाएंगे, मसाला लगा करके हम इस तरफ ऐसे कर देंगे, इस तरीके से आप भी दो दो चार चार पीसेस करके डालिएगा।
गाइस देखिए हमने सबको एक एक करके पीसेस को डाल दिया है। इसके बाद आप पानी डाल दीजिएगा, 5 से 7 मिनट के लिए ढककर रख दीजिएगा मीडियम फ्लेम पे। गाइस देखिए हमारे पसंदे तैयार हो चुके हैं, अब इस फ्लेम ऑफ करेंगे तो हम सर्व करेंगे। पसंदे की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।